देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन पर पूछा गया है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन सनलाइट तो जो सूर्य का प्रकाश है इतमें कितने रंग होते हैं आपको बताना पड़ेगा जल्दी से आप लाइट बताइए दोस्तों सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं तो देखो सूर्य के प्रकाश में रंग हो जाते हैं सात यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी और अगर आपको पूछा है उसमें दोस्तों सात रंग कौन सा कौन सा होता है तो वो देखो वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड और दोस्तों रेड और दोस्तों देखो जो सूर्य का दोस्तों वास्तव में रंग है वो सफेद होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू तो देखो क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया है इन विच या सिग्नेचर शिमला एग्रीमेंट तो आपको बताना पड़ेगा जो शिमला समझौता एग्रीमेंट हुआ था वो कितने वर्ष का हुआ था जल्दी से आप लोग बताइए तो देखो वो जो एग्रीमेंट हुआ था वो हो जाता है नाइनटीन में यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी और अगर आपका पूछा जाए जो इंडिया वर्सेज चाइना का युद्ध हुआ था दोस्तों कितने साल में हुआ था तो, देखे, तो, तो देखो वो युद्ध हो जाता है नाइनटीन सिक्सटी टू में यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर थ्री तो देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन गैस जो ओजोन गैस है इसका जो कलर है क्या होगा बहुत इजी है दोस्तों ओजोन गैस का जो क्या कलर है दोस्तों वो जाता है ऑप्शन सी ब्लू कलर और अगर आपको पूछा दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम क्या होगा तो देखो ओजोन गैस का रासायनिक नाम हो जाता है ओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तब को है, कहा है? तो, answer, है, है, को five, तो आपको बताना पड़ेगा जो फलों का अध्ययन है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है जल्दी से बताइए तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों सही है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर फाइव आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा सारनाथ की लाइन कैपिटल को दोस्तों जिम्मेदार ठहरा गया था तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग टीचर बताइए हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोले इसका आंसर है ऑप्शन सी अशोक आई यानी कि दोस्तों पांच नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अशोक तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया है ईच ऑन टीच ऑन प्रोग्राम रिलेटेड टू जो ईच ऑन टीच ऑन प्रोग्राम है दोस्तों यह किस कार्यक्रम से संबंधित है आपको जल्दी से बताना है लाइव टीचर जल्दी से कॉमेंट बताइए तो देखो दोस्तो, ये दोस्तों ये जो कार्यक्रम है दोस्तों संबंधित है ऑप्शन है एडल्ट एडुकेशन से यानी कि छह नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड संवेद का परिवर्तन संवेद के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो देखो जो संवेद के परिवर्तन के दर को कहा जाता है वो जाता है ऑप्शन सी फोर्स बल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट तो देखो क्वेश्चन नंबर एट में पूछा गया है पीतल किसका मिश्र धातु है तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो पीतल है दोस्तों किसका मिश्र धातु है जल्दी से आप लोग अच्छे से बताइए कॉपर एंड टीन कॉपर एंड जिंक कॉपर एंड आयरन या दोस्तों इनमें से कोई नहीं तो आपको जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो देखो दोस्तों जो पीतल किसका मिश्रण है ये हो जाता तो है ऑप्शन भी कॉपर एंड जिंक का मिश्रण बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चलिए बता नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछा गया है द so, डायरेक्शन दिशा दिखाती है तो दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों इसमें क्या पूछे इसे पूछा गया है दिशा दिखाती है तो आपको जल्दी से बता रहे दोस्तों दिशा कौन दिखाता है हाँ दोस्तों इसके आंसर देते हैं ऑप्शन भी कॉम्पास यानी कि दोस्तों दिशा दिखाता है कॉम्पास देखो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन में पूछा गया है वैट इज द प्रोटीन डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी प्रोटीन का पचन हमारे शरीर में कहाँ पर होता है तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो प्रोटीन का पचन है दोस्तों हमारे शरीर पर कहाँ पर हो जाता है तो देखो यह होता है दोस्तों ऑप्शन बी अमाशाही पर यानी कि दस नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन में क्या पूछा गया पूछा गया है उच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ़ कोल हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस किस्म में किस किस्म कोयला में, में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो आपको जल्दी से लाइव लाइफ बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर जो है क्या होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी से आप लोग लाइव चुने बताइए इसका आंसर क्या होगा जिन्होंने इसका आंसर ए दिया दोस्तों वो सही है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी कि दोस्तों ग्यारह नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है इसका आंसर होता है ऑप्शन ए तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है ऑफ ऑफ दिस इज द बेस्ट कंडक्टर हीट इनमें से उस्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित में से जितना भी ऑप्शन है दोस्तों इनमें से उषमा का दोस्तों सबसे अच्छा चालक कौन है सिल्वर कॉपर गोल्ड या दोस्तों लकड़ी जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो देखो दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों जो सबसे अच्छा चालक है वो ऑप्शन है सिल्वर यानी कि दोस्तों जो बारह नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है सिल्वर तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर थर्टीन तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन में दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल पूछे से पूछा गया है कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है वो तथा आपके दोस्तों जो चमड़ा है दोस्तों उसको स्वस्थ रखने में जरूरी होता है तो आपको जल्दी से बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से लाइव लक्ष्य बताइए तो देखो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन सी विटामिन सी जैसे कि दोस्तों आपको बताए कि दोस्तों जो विटामिन सी है दोस्तों नींबू नींबू संतरा ये सब में मिल जाए दोस्तों विटामिन सी नेक्स्ट क्वेश्चन कोसे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में क्या पूछे इसमें पूछा गया है विच इज़ द लार्जेस्ट सेटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हमारे सोरामंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो दोस्तों हमारे जो सोराम्डल है दोस्तों उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा आपको जल्दी से बताना है तो देखो दोस्तों जो हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है तो वो जाता है ऑप्शन ए गेनीमेड यानी कि दोस्तों चौदह नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गेनीमेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तो देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में पूछा गया है पौधों के जड़ों से पत्तियों तक दोस्तों पानी का संवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए दोस्तों हाँ आप लोगों ने सही बोला इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी कि पंद्रह नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन ए तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से दोस्तों किसे पूर्व का मोती कहा जाता है आपको बताना पड़ेगा दोस्तों पूर्व का जो मोती है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है आप लोग जल्दी से बताइए तो देखो दोस्तों वो कहा जाता है ऑप्शन सी श्रीलंका को यानी कि दोस्तों जो जो दोस्तों निम्नलिखित में से पूर्व का मोती कहा जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी श्रीलंका को तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर में पूछा है विच एलिमेंट इज नेसेसरी टू कीप टीथ हेल्दी दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शनों में से दोस्तों जो दांत है दोस्तों इसको स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों कौन सा तत्व आवश्यक है निकेल कोबर्ट आयरन कैल्शियम तो देखो दोस्तों जो दोस्तों बहुत आवश्यक है वो जाता है ऑप्शन डी कैल्शियम यानी कि सत्रह नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कैल्शियम तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन में पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एलो लाइट टू पास थ्रू किस प्रकार की वस्तु और प्रकाश को आर पार होने नहीं देती है तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जो है ऑप्शन अपार है अपारदर्शी यानी कि दोस्तों अठारह नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है अपारदर्शी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तो देखो क्वेश्चन नंबर में दोस्तों बहुत ही शानदार से सवाल पूछे इसमें पूछा गया है बांग्लादेश में दोस्तों जो गंगा नदी गया है दोस्तों वो दोस्तों बांग्लादेश में किस नाम से परिचित है यानी कि आपको बताना पड़ेगा इन बांग्लादेश बाय विच नेम गंगा इज नोन जल्दी से आप लोग लाइच बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भागी पदमा मेघना या हुगली तो देखो बांग्लादेश में गंगा को जिस नाम से जाना जाता है वो जाता है ऑप्शन बी पदमा तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में पूछा गया है वट इज द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है जल्दी से आप लोग लाइक् बताइए तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन बी जेनेवा पर तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर से बताना इसका क्या होगा बहुत देखो, इसका जो होगा कि दोस्तों इक्कीस नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए तो चलिए बताते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में पूछा गया है जो रंगा स्वामी कफ है दोस्तों रंगा स्वामी कप दोस्तों किस खेल से संबंधित है यानी कि आपको बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से दोस्तों जो रंगा स्वामी कप है दोस्तों किससे संबंधित है फुटबॉल क्रिकेट पोलो हॉकी तो देखो जो रंगास्वामी कप है दोस्तों रिलेटेड हो जाता है ऑप्शन डी हॉकी से तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू हॉकी है तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा जिन्होंने वीडियो तो को लाइक नहीं किया दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दो और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि दोस्तों हम लोग आपके लिए बहुत ही ढूंढ ढूंढ कर बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों आप लोग लो का एक सब्सक्राइब हम लोग का दोस्तों बहुत ही मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में पूछा गया है गगनचूमी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा जो गगनचूमी इमारतों का शहर है किसे कहा जाता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है देखो तो दोस्तों ये कहा जाता है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क को गगनजी में इमारतों का शहर कहा जाता है न्यूयॉर्क को तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में पूछा गया है ऑफ दास पेयर इज़ इनकरेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ी गलत है तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा जुड़ी गलत है आप लोग जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा तो देखो दोस्तों जो पड़ा है दोस्तों ये उड़ीसा में है एकदम सही है और दोस्तों जो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है आंध्र प्रदेश पे नहीं दोस्तों जो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु के मधुराई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखो जो राजघाट है दोस्तों राजघाट दोस्तों दिल्ली पर स्थित है और कंडला दोस्तों ये दोस्तों गुजरात पर स्थित है तो इसके आंसर क्या हुआ हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में पूछा गया है बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लाइफ चलो जल्दी से कॉमेंट कर बताइए तो देखो बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड कंट्री तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी थाईलैंड तो चलिए बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच कंट्री इज कॉल्ड द पेशेंट ऑफ यूरोप किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा जो यूरोप है दोस्तों इसका मरीज कौन सा देश को कहा जाता है फ्रांस क्यूबा तुर्की इनमें से कोई नहीं जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों जो फ्रांस यूरोप का दोस्तों मणिज है किसे कहा जाता है तो देखो ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन सी तुर्की को तुर्की को दोस्तों जो यूरोप का मणिज कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तो देखो इस पर पूछा गया है हु इज द फर्स्टेस्ट प्लानट टू ऑर्बिट द सन सबसे तेज गति में सूर्य का दोस्तों चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसका आंसर आप लोग जल्दी से लाभ चलो बताइए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल क्या दोस्तों इसका आंसर क्या होगा हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला यो दोस्तों ऑप्शन है मर्क्यूरी यानी कि दोस्तों बुध दोस्तों देखो सबसे तेज दोस्तों सूर्य का एक चक्कर लगाता है दोस्तों बुध है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट तो देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पर पूछा गया है विच इज द डीपेस्ट पोर्ट इन द कंट्री देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है तो आपको जल्दी से बताना है दोस्तों देश का सबसे गहरा जो बंदरगाह है कौन सा है तो देखो वो दोस्तों बंदरगाह हो जाता है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम यानी कि विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट पोर्ट इन द कंट्री तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पर पूछा गया है व्हाट टाइप रेलवे लाइन डस इंडिया रेलवे यूज भारतीय रेलवे किस प्रकार की रेलवे लाइन का प्रयोग करती है तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा बहुत ईजी क्वेश्चन है तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी तीनों ठीक है तो दोस्तों उन्तीस नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर थर्टी तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी दोस्तों कौन सा हो गया आंसर जल्दी से आप बताइए वेयर इज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है दोस्तों कहाँ पर स्थित है आपको जल्दी से बताना इसके आंसर क्या होगा इंग्लैंड अफ्रीका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया तो देखो दोस्तों जो दोस्तों लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड है दोस्तों ये लोकेटेड कहाँ पर है आपको लाइव चुनाव कमेंट के बताना है और दोस्तों वीडियो के में कमेंट कर जरूर दोस्तो बताना दोस्तों ये लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज दोस्तों लाइक कर लो और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि दोस्तों हम लोग आपके बहुत ही ढूंढ ढूंढ कर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं तो दोस्तों आपका एक लाइट हम लोग के लिए दोस्तों बहुत ही मोटिवेशन है प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लो और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो तब तक के बाय जय हिंद जय भारत